दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि साफ सफाई में जो व्यापारी भाई अपने मार्केट को अच्छा बनाएंगे उस मार्केट के विकास के लिए 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा और सोसाइटियों को भी अच्छा कार्य करने पर नकद राशि दी जाएगी। इसलिए आप सभी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और सरकार से इनाम पाएं। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत के लिए आदेश जारी हो गए हैं। अब बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 6,414 करोड़ रुपए की राहत। इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान कटनी जिले में 7 अप्रैल को करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को कटनी जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ करेंगे और हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ 32 लाख रुपए की राहत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी होगा। इसमें जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सभी विद्युत वितरण केंद्रों पर भी शिविर लगाकर बिल माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिन स्थानों पर 7 अप्रैल को शिविर नहीं लग पाएंगे वहाँ 8 अप्रैल को शिविर लगाकर हितग्राहियों को बिल माफी के प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 25 अप्रैल तक हो जाएगी पूरी प्रक्रिया। सीएम को उसके बाद सौंपा जाएगा प्रतिवेदन। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है प्रदेश में। वहीं पंचायतों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अब 25 अप्रैल तक मतदाता सूची तैयार होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 25 अप्रैल तक मतदाता सूची तैयार होने के बाद सरकार पंचायतों का आरक्षण करेगी। सरकार ने इसको लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सहित राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा जानकारी एकत्र भी कर ली गई है, जिसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसका प्रतिवेदन सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर पंचायतों का आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार पंचायत चुनाव अन्य पिछले वर्ग के 27% आरक्षण के साथ करना चाहती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के आदेश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। इसके माध्यम से सर्वे का कार्य पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद इस आधार पर तैयार किया गया प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सरकार ने किसानों को दिए बड़ी राहत। इसके तहत सहकारिता विभाग ने समितियों के लिए तय कर दिए लिमिट। इससे किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी राहत दी गई है। अब किसानों से समिति मनमाना ब्याज शुल्क नहीं वसूल सकती। इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। सहकारिता विभाग ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है, जिसका फायदा निश्चित ही प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। सहकारी समिति द्वारा किसानों से अधिक दंड ब्याज 4% तक वसूला जा रहा है, जिसके बाद मनमानी ब्याज से किसानों को छुटकारा देने के लिए सहकारिता विभाग ने दंड ब्याज की लिमिट अब तय कर दी है। अर्थात कृषि ऋण पर जो ब्याज लगता है उसकी लिमिट कम कर दी और तय भी कर दी है। सहकारिता विभाग का कहना है कि अब सहकारी समितियां अधिकतम 2% की सीमा पर ही दंड ब्याज किसानों से वसूल कर सकेगी। इतना ही नहीं, सहकारिता विभाग ने सभी सहकारी संस्थाओं को निर्देश भी दे दिए हैं, किसी भी सूरत में किसी भी किसानों से 2% से अधिक ब्याज दंड नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब किसान तय अवधि पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते तब उन पर सहकारी समितियां दंड वसूलती हैं। अभी तक सहकारी समितियों की तरफ से 4% की दर से दंड ब्याज वसूला जा रहा था, लेकिन अब इसे घटाकर सहकारिता विभाग ने 2% कर दिया है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बैंकों में
ब्याज देना हो तो इस बात का जरूर जिक्र करें कि ब्याज राशि अब कम लगेगी। वहीं इसके अलावा शिवराज सरकार द्वारा किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना भी तैयार की जा रही है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऋण चुकाने की वजह से डिफाल्टर हुए किसान को ब्याज माफ़ी देने की भी घोषणा की गई है, जिसका फायदा प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को होगा। वहीं प्रदेश में 15 लाख किसानों के ऊपर अभी भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण बकाया है, जिसका भुगतान किसानों को करना है। उस पर अब सरकार एक मुश्त समझौता योजना ला रही है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेधावी छात्रों के लिए किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्रों की कॉलेज फीस अब सरकार भरेगी। साल भर में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी देगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों के लिए बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ऐसे छात्र जो मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं में 75% और CBSE में 85% अंक लाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए सरकार उनकी फीस भी भरेगी। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती भी देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में हो रही बड़ी दिक्कत। किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन तो करा लिया है, पर खसरे से नहीं मिल रहे नाम, जिससे उन्हें गेहूं बेचने में हो रही है बड़ी परेशानी। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। इस बार प्रदेश में 19,81,000 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इसमें से 2,16,000 किसानों के खसरे ऐसे हैं जिनमें दर्ज नाम का पंजीयन के साथ मिलान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इस बार खरीदी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक किसान का सत्यापन करने का फैसला लिया है। जब तक खसरे और पंजीयन में दर्ज नाम का मिलान नहीं हो जाता, तब तक संबंधित किसान से उपज नहीं ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। खाद्य नागरिक विभाग अब इन खसरों की तहसीलदारों से जांच भी करा रहा है। खाद्य नागरिक विभाग ने बताया कि 36,92,962 खसरों की जांच की गई है। इसमें 2,16,000 में भूमि स्वामी का जो नाम है उसका मिलान पंजीयनकर्ता से नहीं हो पा रहा है, जबकि खसरे आधार से लिंक है, परंतु जब तक पंजीयन और खसरे में दर्ज नाम का मिलान नहीं हो जाता, तब तक संबंधित किसान से गेहूं का उपार्जन नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के सभी तहसीलदारों से सत्यापन करने के लिए कहा गया है। साथ ही समितियों को यह भी अधिकार दिए गए हैं, यदि किसान किसी वजह से खसरे में नाम परिवर्तन नहीं करा पाया है तो वो अपने संबंधी दस्तावेज लाकर सुधार करवा लें, ताकि उन्हें गेहूँ बेचने में आसानी हो। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में 2,16,000 किसान ऐसे हैं जिनका पंजीयन और खसरे में नाम मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे किसानों के लिए खाद्य नागरिक विभाग काम कर रहा है, तहसीलदारों से जांच करा रहा है। यदि आपके पास दस्तावेज हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी तहसीलदार से मिलकर पंजीयन केंद्र पर जाकर इसमें सुधार करवा लें और अपनी समर्थन मूल्य पर गेहूँ को बेचें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।